नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी इंडिया में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं जो राजस्थान पुलिस पटवारी की सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की सीरीज चल रही है, उसमें जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है मानव रोग है। मानव रोग का दूसरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो मानव रोग से संबंधित अध्ययन के साथ साथ की है, जीवाणु जनित रोग के बारे में अध्ययन किया था। और इस वीडियो में पार्ट टू में क्या मानव रोग के अंतर्गत वायरस व प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में अध्ययन करें हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक है मानव रोग, यह राजस्थान पुलिस पटवारी के साथ साथ रीट रेलवे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग की हम बात करें तो फर्स्ट है एड्स। एड्स क्या वायरस जनित रोग है? एड्स का नाम, पूरा नाम पूछा जाता है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, पूरा नाम बहुत बार पूछा गया है, का संक्षिप्त रूप है। इस रोग के विषाणु का नाम अगर पूछे तो एच आई वी, इसका भी नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। रोग यौन संबंधी कारण के कारण रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है और खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः के रोगी की मृत्यु हो जाती है एड्स से। ऐसे उपचार की बात करें तो उपचार के लिए सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिबावेरिन और अल्फा इंटरफेरोन आदि दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये उपचार के लिए किया जाता है। और बात करें AZT दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है जो कि HIV विषाणु की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की क्रिया रोककर विषाणु को बहुगुणित होने से रोकता है, या बहुगुणित से मतलब है एक से अधिक। नेक्स्ट की बात करें तो चेचक है, ये भी क्या विषाणु जनित रोग है। चेचक रोग स्मॉलपॉक्स भी कहते हैं इसे। यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सिर, पीठ, कमर, बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है और बाद में लाल लाल दाने निकल आते हैं और जो बाद में फेफोलों के रूप धारण कर लेते हैं। अगर चेचक रोग के उपचार की बात करें तो रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ों के सुरड़ साफ ना हो जाए, और घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए। तीसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये भी के वायरस जनित रोग है, एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण किसी इन्फ्लुएंजिस नामक रोगाणु के कारण होता है। किस रोगाणु के कारण होता है? इन्फ्लुएंजी, इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी और तेज बुखार, ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। उपचार की बात करें तो रोगी को टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए और रोगी का पेट साफ रखना चाहिए और पोटेशियम मैग्नेट के घोल से सुबह सुबह गरारा करना चाहिए। नेक्स्ट रोग की बात करें तो पोलियो। पोलियो वायरस जनित रोग है। इस यह रोग निस्यंदी विषाणु के कारण, किस विषाणु के कारण होता है? निस्यंदी विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? पोलियो, पोलियो वायरस जनित रोग होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिका के नष्ट हो जाती है। किस रोग में रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिका नष्ट हो जाती है? पोलियो रोग में। यह प्राय बच्चों का होता है और शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिरोधक पदार्थ का निर्माण करने लगता है जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। उपचार की अगर बात करें तो इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन लगाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। साक टिक्के, सालक वैक्सीन जो कि एक साक ने खोजी थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेमिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण और आसान बना दिया, प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। अब अगर बात करें डेंगू ज्वर की, डेंगू ज्वर ये भी क्या है? वायरस जनित रोग है डेंगू ज्वर, और यह रोगाणु विषाणु के कारण होता है। इस रोग को इंडिज इंडिस एजिप्टी, इंडिस एल्बोपेक्टस और क्यूलेक्स फर्टिगेंसिस नामक मच्छर द्वारा संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है और चेहरा पर पत्तियां निकल आती है तथा सिर, आंख, मांसपेशी और जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं।
नेक्स्ट रोग की बात करें तो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस की बात, हेपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्टसिन, यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक बिली पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इससे यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पित्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है और पेशाब भी पीला हो जाता है और खून में पित्त बढ़ जाती है। अगर इसके उपचार की बात करें तो इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि सिर में ब्लूरूबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती है। नेक्स्ट रोग की बात करें तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज महत्वपूर्ण रोग है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। किस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है? इसका संक्रमण पागल कुत्ते भेड़िए लोमड़ी आदि के काटने से होता है। यानी पागल कुत्ते भेड़िए लोमड़ी काटने से कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफीबिया रेबीज रोग है। और हाइड्रोफीबिया रेबीज रोग वायरस जनित है या जीवाणु जनित? तो वायरस जनित रोग है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता था। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाए तो केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करते हैं और यह रोग दो रूपों में देखने को मिलता है। एक में तो क्या उत्तेजना होती है और जल से व्यय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी निकलती है, और दूसरे में रोगी को पक्षाघात तेज जबर भयंकर सिर दर्द होता है तथा वोमन करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होती है। अगर इसके उपचार की बात करें तो रेबीज के उपचार की बात करें तो रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए। इस टिक्के की खोज लुईस पाचन ने की थी। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? लुईस पाचन नामक वैज्ञानिक ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस है, ये भी वायरस जनित रोग है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है मेनिनजाइटिस में। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है, तेज बुखार था बाद में बेहोशी भी होने लगती है और मस्तिष्क था मेरुरज्जु के ऊपर जड़ी झिल्ली के नहीं नीचे रहने वाले द्रव सेरिब्रोस्पाइनल द्रव से संक्रमण होता है। और इस रोग से बचने के लिए मेनिनजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेकोमा, यह आंख की कोर्निया का सांसर्गिक रोग है। इससे कोर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी को निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन क्लोरोमाइस्टीन आदि का प्रयोग करना चाहिए। पेनिसिलिन क्लोरोमाइस्टीन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए ट्रिकों में। नेक्स्ट रोग की बात करें तो छोटी माता चिकन पॉक्स भी बोलते हैं इसको, छोटी माता रोग को चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये भी एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। यह रोग भी चेचक की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर पित्तिकाएं निकल जाती है तो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती है। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाना चाहिए और सफाई पर ध्यान देना चाहिए। किस रोग में? छोटी माता। नेक्स्ट रोग की बात करें तो खसरा, जिसे क्या इंग्लिश नाम है याद रखना, इसे बिजलस भी कहते हैं। इस रोग का कारक मार्बोली विषाणु, मोरबेली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायुवाहित रोग है। इस रोग से विषाणु नाक के स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग से आर में नाक व आंख से पानी बहता है तथा शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वार आदि भी लक्षण प्रकट होते हैं और 3-4 दिन बाद क्या शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए तथा हल्का भोजन तथा उबला पानी पीना चाहिए। किस रोग में? खसरा या मिजलस। मिजलस क्या एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट रोग की बात करें तो गलसुआ, गलसुआ ये भी क्या एक विषाणु जनित रोग है। गलसुआ मम्पस भी बोलते हैं। इस रोग का कारक है मम्पस वायरस, इंग्लिश नाम थी मम्पस वायरस है। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है। किस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है? मम्पस में, जो कि वायरस जनित रोग है। इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। थपार में झुरी झुरी सिरदर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद के कर्ण के नीचे स्थित पेराटिट ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए नमक के पानी की शिकायत तथा टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाना चाहिए। किस रोग में? गलसुआ रोग में। जितने वायरस रोग है खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट है फुफ्फुस जनित रोग।
हम जनित रोग डिजीज की बात करें तो दम्मा फर्स्ट है, अस्थमा इसका इंग्लिश नाम है, अस्थमा इसे दम्मा भी कहते हैं, और यह एक संक्रामक रोग है। ठीक है, फुफ्फुस जनित रोग की बात बात करें, मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के बीजाणु स्पोर पहुंच कर वह जाल बनाकर फेफड़ों की सूक्ष्म नलिकाओं में सिकुड़न ला देते हैं। किस रोग में? दम्मा में। उपचार की बात करें तो दम्मा के इलाज के लिए डेरिफाइनिल, ट्रेड्रोल, एड्रेनलिन, ब्रोमहेक्सिन, प्रेडनिसोलोन, डेल्टा कोटिल आदि दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। किस रोग में? फुफ्फुस दम्मा रोग में। नेक्स्ट की बात करें तो गंजापन, गंजापन यह टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है गंजापन। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवक के द्वारा नष्ट कर दी जाती है, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। किस रोग में? गंजापन में। अगर इसके उपचार, नेक्स्ट है दाद, ये भी फुफ्फुस जनित रोग है, रिंगवर्म। इस यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। किस कवक से फैलता है? ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक के त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर क्या लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, और यह एक संक्रामक रोग है दाद। नेक्स्ट है एथलीट फुट। इस रोग का कारक क्या है? ट्राइकोफाइटोन नामक कवक होता है, ट्राइकोफाइटोन नामक कवक होता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित जमीन से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, एथलीट फुट में। नेक्स्ट है खाज, ये भी फफूंद जनित रोग है। इस रोग का कारक क्या है? एस एकेरस स्कैबीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। अब है प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो फर्स्ट है निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस। अगर बात करें निंद्रा रोग की तो क्या यह रोग क्या ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा रोग होता है? निंद्रा रोग, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, उत्पन्न होता है। यह एक परजीवी है जो कि सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है। कौन सा रोग है जो सीसी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेता है? वो है निंद्रा रोग या स्लीपिंग स्कैनस। इन मक्खियों के काटने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है और शरीर और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। शरीर में दर्द तथा कमजोरी मालूम पड़ती है। उपचार की बात करें निंद्रा रोग की तो सीसी मक्खियों को कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर दे नष्ट कर देना चाहिए था। ट्रिपेसमाइड की सुई को पूरा कोर्स ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है पेचिस, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यह एंटीमिंबा हिस्टोलोमा का नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है। रोगी को दस्त होता है, जिसमें आव खून की मात्रा अधिक रहती है। पेट में मरोड़, बार बार शौचालय जाने की इच्छा होती है। किस रोग में? पैचिस में। उपचार की बात करें तो पानी और दूध उबाल कर पीना चाहिए था। एंट्रीकोनोल, आइफ्रोफार्म, मेक्सोफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अगर बात करें मलेरिया, मलेरिया ये भी क्या प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया है प्रोटोजोआ जनित रोग। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, और जिससे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच कर उसे रुग्ण कर देते हैं। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है और लार उदीर्ण उदाणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। मलेरिया है फर्स्ट बात है प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, और जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है। अगर उपचार की बात करें तो कुनेन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, पेलुड्रीन है, क्लोरोक्वीन है, पिराक्वीन है, प्रिमाक्वीन है, आदि औषधि लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया यह एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों से क्या पस निकलता है तथा दांतों की जड़ों में घाव हो जाते हैं। अगर उपचार की बात करें तो भोजन में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, और भोजन में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गन्ना, फल इत्यादि जरूर खाना चाहिए। ये सारे रोग है वो प्रोटोजोआ जनित रोग थे। नेक्स्ट की बात, कालाजार, यह क्या लिस्मेनिया डोनोवानी नाम प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। किसमें? कालाजार में। नेक्स्ट बात करें तो अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स रोग है। कौन कौन से है? एक तो वृद्धांता है, एक हिमोफोलिया है। महत्वपूर्ण फर्स्ट है वृद्धांता, कलर
ब्लिंडेंस, इस रोग में से ग्रसित व्यक्तियों में लाल व एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। किस रंग की? लाल व हरा रंग की यह रोगी व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं क्योंकि स्त्रियां केवल इसकी वाहक होती है, और स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स प्रभावित होते हैं। यदि एक गुणसूत्र एक्स पर वृद्धांता के जीन हो तो स्त्रियों के वाहक का कार्य करेगी लेकिन वृद्धांत नहीं होगी। इसके विपरीत पुरुषों में केवल एक्स गुणसूत्र पर वृद्धांता होगी। इस बीमारी को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह मुख्यतः लिंग संबंधी रोग है जो पिंडी दर पिंडी फैलता है, वृद्धांता रोग है। नेक्स्ट की बात करें तो हीमोफीलिया, ये भी अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स रोग है। हीमोफीलिया, इसमें क्या स्त्रियां वाहक का कार्य करती है? साधारणतः एक व्यक्ति को चोट लगने पर औसत 2 से 5 मिनट में रक्त का बनकर बंद हो जाता है, किंतु हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर काफी समय के बाद भी रक्त क्या लगातार के बहता रहता है, और रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण रक्त का नहीं बनता है, और अंततः शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। किस रोग? हीमोफीलिया में, जो कि रक्त के थक्के से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तो टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम ये क्या है? यह रोग यह अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से उत्पन्न होता है। अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? टर्नर सिंड्रोम है, जो कि विभाजन में अनियमितता हो जाने से एक ऐसे अंडे का निर्माण होता है जिसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है और दोनों ही लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स एक ही अंडे पर चले जाते हैं। जब इस प्रकार का अंडा समान या शुक्राणु से निषेचित होता है तो क्या बनने वाला जाइकोट लिंग गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, और इस प्रकार जायकोट से बनने वाली स्त्रियों में अनेक शारीरिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे शरीर अल्प विकसित कद छोटा तथा पक्ष चपटा जितना विकसित ऐसी स्त्रियां बांझ होती है। नेक्स्ट है क्लीन फेल्टर सिंड्रोम। क्लीन फेल्टर सिंड्रोम ये क्या होता है? यह रोग किया है वयस्क विभाजन के अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है, और इसमें क्या जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से अधिक है, यानी सामान्य क्या 46 23 जोड़े। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े और कुल होते हैं 46, तो सामान्य से अधिक हो गया 47 है। इसमें जायकोट से उत्पन्न है पुरुषों में स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पुरुषों का वर्षण अल्प विकसित वयस्क स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं, इसे पुरुष नपुंसक होते हैं। नेक्स्ट बात करिए तो डाउन सिंड्रोम या मोगोलिज्म, ये क्या होता है? ये भी अनुवांशिकी रोग है। यह रोग भी अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में ऑटोसोम का बंटवारा सही प्रकार से नहीं हो पाने से बनने वाले जायकोट में गुणसूत्रों की स्थिति असामान्य हो जाती है। इस प्रकार के जायकोट से विकसित भ्रूण कुछ ही समय में पश्चात मर जाता है, और यदि जीवित भी रहता है तो विकसित होने वाला वयस्क मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा का होता है। नेक्स्ट बात करें पटाउस्ट्रोम, ये क्या होता है? ये मनमानसी की रोग है। इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है और तालु में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी की मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। और नेक्स्ट है अन्य रोग की बात करें तो फाइलेरिया है। बहुत सारे रोग है, फाइलेरिया, बेरीबेरी, सकरबी, और नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 मानव रोग ह्यूमन डिजीज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा।